Hello, students. I, Nina Manola, lecturer English, GIC Charahawal Bag. Welcome you all to the online classes of School Education Almora. Dear students, I hope you are making best use of your time while staying at home. Today we will do the third poem of our textbook. Name of the poem is. कीपिंग क्वाइट दिस पोएम इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू टूडेज वर्ल्ड अगर हम आज का वर्ल्ड देखें और सिक्स सेवन मंथस अगो कम्पेयर करें इन दोनों वर्ल्ड को तो इट इज द कंडीशन आर एंटायरली डिफरेंट बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं कंडीशन में और इस पेंडेमिक से हमें बहुत से लेसन भी सीखने को मिले हैं और इस पोएम के थ्रू भी ऐसे ही कुछ लेसन्स हमें पोएट देना चाह रहे हैं दिस पोएम वॉज रिटन बाय नफ्टी रिकार्डो रेयस बेसल्टो हुस पेन नेम वॉज पाब्लो नरुडा पाब्लो नरुडा एक ग्रेट लैटिन अमेरिकन पोएट हैं ट्वेंटी सेंचुरी के एंड अपार्ट फ्रॉम पोएट वो एक पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट भी रहे हैं और ही वन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 तो हम एक नोबल प्राइज विनर की पोएम पढ़ने वाले हैं आज ही वॉज बॉर्न इन चिली चिली इज अ कंट्री सिचुएटेड इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका दिस इज द ऑरिजिनल वर्जन ऑफ द पोएम

थीम थीम ऑफ द पोएम इज़ इंट्रोस्पेक्शन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है हमें एग्जिस्ट को एग्जिस्ट करना है नेचर के साथ हमें नेचर को साथ लेते हुए कोई भी एक्टिविटी करनी है और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन होता है सेल्फ एनालिसिस लुकिंग एट यूर ओन पर्सनैलिटी एंड एक्शन जब हम अपने थाट्स को वो समझने की और उनको उनके ऊपर उनको एग्जामिन करने की उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं दैट इज इंट्रोस्पेक्शन पिक्चर में भी आप देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ वी विल काउंट टू ट्वेल्व एंड वी विल ऑल कीप स्टिल तो वहां पे वो पोएट कह रहे हैं कि अब हम सब क्या करेंगे ट्वेल्व तक गिनेंगे उसके बाद हम सब क्वाइट हो जाएंगे तो यहाँ पे एक फ्रेज यूज की है काउंट टू ट्वेल्व यूज दिस पोए फ्रेज हेयर तो इट मे बी बिकॉज ट्वेल्व इज अक्टेस्ट नंबर एंड विच इज फाउंड एवरीवेयर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम चाहे हम क्लॉक में देखें देर आर ट्वेल्व मार्क्स ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक देर आर ट्वेल्व मंथ्स इन अ ईयर तो एंड और जो है अगर हम इस पर कुछ और ऐड करें तो जो दोनों हैंड्स होती हैं क्लॉक की वो ट्वेल्व ओ क्लॉक में मीट करती हैं वो यूनाइट हो जाती हैं तो एक यूनिटी भी शो कर रहा है वो तो वो कह रहे हैं हमें ट्वेल्व तक काउंट करने के बाद हम साइलेंस साइलेंट हो जाएंगे फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच तो वो कह रहे हैं एक सेकेंड के लिए ही हमें जो है क्या करना है साइलेंस रखनी है इस अर्थ पे एंड उस समय हम जो है किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे वाई ही से हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लैंग्वेज क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन पीपल तो वो चाहते हैं कि ऐसे कोई भी बैरियर आए बीच में एंड ही डवन वॉन्ट आर्म्स जैसे हम आर्म्स को मूव करके कुछ इशारों में बात करते हैं वो भी नहीं होनी चाहिए ही वांट्स नो डिस्ट्रैक्शन नो डिस्टर्बेंस इन दिस साइलेंस तो नो मूवमेंट ओनली साइलेंस नाउ इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट एंजन्स वी वुड ऑल बी टूगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस तो यहाँ पे वो कह रहे हैं ये जो साइलेंस होगी इट विल हेल्प अस टू अचीव अ सेंस ऑफ टूगेदरनेस हम सब एक साथ हो जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे और इसमें क्या होगा वो कह रहे हैं जस्ट थिंक अबाउट दिस मोमेंट एक ये एक्जॉटिक मोमेंट होगा एक अनयूजल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्साइटिंग मोमेंट होगा जहां पर जो है uh, कोई भी मूवमेंट uh, नहीं होगी कोई भी नॉइज नहीं होगी और विदाउट रश मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए कोई भाग नहीं रहा होगा कोई भी काम नहीं चल रहा होगा कोई इंजन्स मतलब कोई मशीनरी नहीं चल रही होगी तो इसीलिए कोई नॉइज भी नहीं क्रिएट होगी तो कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल यहाँ पे इसकी बात हो रही है और अगर हम देखें तो इन दिस लॉकडाउन पीरियड ऑल्सो देर इज़ अ कम बैक ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हमें देखने को मिले कुछ स्पीसीज तो इस लॉकडाउन ने एक हारमोनी क्रिएट की बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बींग तो वही वो, वो चाहते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है ह्यूमैनिटी की ये हम स्ट्रेंदन करें इसमें इसे और स्ट्रांगर बनाएं दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर वन कि हम ट्वेल्थ तक गिनने से क्या अचीव करेंगे नेक्स्ट uh, uh, In the next stanza, he is saying, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो यहाँ पे अब जो uh, इस stanza में बात हो रही है वो हो रही है cold sea यहाँ पे um, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपीथैट मतलब कोल्ड सी मतलब सी कोल्ड नहीं है फिशरमैन कोल्ड है कोल्ड सी रिप्रेजेंट द कोल्डनेस ऑफ द फिशरमैन फिशरमैन क्या कर रहा है ही इज डिस्ट्रॉइंग नेचर फॉर हिज सेल्फिश नीड तो वो जो हैल्ड है उसका हार्ट ही इज नॉट बॉर्दर्ड अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइफ वो अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरी करने के लिए सी को हार्म पहुँचा रहा है तो क्या अगर वो भी एक सेकेंड के लिए अगर रुक जाए और कुछ ना करे तो इससे क्या होगा द वेल्स इन द सी विल बी सेफ वो सेफ हो जाएंगी तो यहां पे इस चीज की बात हो रही है और नेक्स्ट टू लाइंस में वो जिसकी बात कर रहा है वो है एक ऐसा आदमी जो कि सी के किनारे बैठ के हु इज गैदरिंग द सॉल्ट उसको जो है कलेक्ट कर रहा है सॉल्ट और इस प्रोसेस में उसके हैंड्स को बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा है उसके हैंड्स बहुत हर्ट हो रहे हैं उसमें पेन हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस करनी पड़ रही है लेकिन स्टिल वो उस काम में लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि इन ऑर्डर टू एड वर्ल्डली लग्जरीज एंड कंफर्ट्स टू आर लाइफ वी आर इंगेज इन सम माइंडलेस एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम खुद को हर्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं अगर हम रुक जाए कुछ टाइम के लिए अगर वो भी रुक जाए वो फिशरमैन तो वो भी कुछ टाइम के लिए अपने आप को हील कर सकता है तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है हिज हर्ट हैंड्स यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रही है दैट इज एलिट्रेशन एच 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 रिपीट कर रहा है और इसे लास्ट लास्ट टेंजा में हमने देखा था सडन स्ट्रेंजनेस वहां पे भी एस एस रिपीट कर रहा था तो देर वॉज ऑल्सो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच Now next next in the next line he is saying those who prepare green wars green wars means causing destruction or degradation to the environment ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है environment को अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ऐसे पीपल वो उन लोगों की बात कर रहा है जो environment को नुकसान पहुंचा रहे हैं या जो कि वॉर कर रहे हैं विद गैस वॉर विद वार्स विद फायर यहाँ पर जो फिगर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है दैट इज़ रिपीटेशन वार्स वर्ड दो बार रिपीट हो रहा है तो कह रहे हैं जो लोग इन सब वॉर्स में इन्वॉल्व हैं ये जो वॉर विद गैस वॉर्स विद फायर है ये है वॉर्स विद वेपन जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वॉर करते हैं ये लोग और इन लोगों की बात कर रहा है वो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वो कह रहा है विक्ट्री से हम हमेशा हम विक्ट्री को एंजॉय करते हैं और लेकिन यहाँ पे एक छुपी हुई है क्या मैन मे गेट सेटिस्फैक्शन उसको सेफेक्शन हो जाए कि मैं जीत गया हूं लेकिन जो ये वॉर्स होती हैं दिस वॉर्स लीव बिहाइंड नो सर्वाइवर्स इनके पीछे कोई भी सर्वाइवर नहीं बचता है और ये वॉर्स जो है बिल्कुल यूजलेस है इस विक्ट्री का कोई फायदा नहीं हो कह रहा है तो ये लोग जो कि इस इन वॉर में इन्वॉल्व हैं चाहे वो वॉर अगेंस्ट नेचर है वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये लोग क्या करेंगे वो कह रहा है साइलेंस के पीरियड में वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग तो उन्हें क्या करना है क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं क्लीन क्लोथ्स रिप्रेजेंट टू गिव अप ऑ ऑल द शेडी आइडियाज एंड बी क्लीन एंड क्लियर इन देअर हार्ट जितने भी वो शेडी आइडियाज हैं उनके माइंड में उसे छोड़ के वो लोग क्या करें अपने हार्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में वो भी जो है ह्यूमेनिटी के कॉज के लिए जो है आगे आ सकते हैं और अपने कैसे आ सकते हैं जो वो ब्रदर्स हैं उनके जिन्होंने कुछ भी नहीं किया जिन्होंने किसी को कोई हार्म नहीं पहुँचाया और किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके साथ जो है वो चल सकते हैं एक शेड में वो शेड क्या होगी अ शेड ऑफ पीस हार्मनी एंड ब्रदरहुड तो ये इस शेड में चल के वो अपने एक क्लीन क्लोथ्स पहन सकते हैं वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इन एक्टिविटी लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ यहां पे वो कह रहे हैं कि अब मैं अब जो मैं कह रहा हूं ये चीज की मुझे साइलेंस चाहिए तो प्लीज डोंट मिस अंडरस्टेंड मी आई डज इट डजेंट मीन कि साइलेंस डजेंट मीन की टोटल uh, इनएक्टिविटी हम टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ मैं साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ डेथ डेड हो जाए और हम पूरी एक्टिविटीज रोक दें सब काम करना छोड़ दें नहीं वो कह रहा मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन कह रहा है लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट मींस लाइफ इज अबाउट लिविंग लाइफ इज नॉट अबाउट वेजिंग वॉर एंड हार्मिंग नेचर लाइफ सिर्फ जीने के लिए है एंड लाइफ इज मैन टू बी लिव्ड तो हमें जो है जीना है लेकिन किसी चीज़ को हार्म नहीं पहुँचानी है हम वी शुड ट्राई टू नो एंड अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज ऑफ लाइफ हमारी लाइफ का क्या पर्पज़ है हमारी लाइफ का यही पर्पज़ है टू मैंटेन अ बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर ऐसा नहीं होना चाहिए हम ऐसे वॉर कर रहे हैं जिससे सॉरी ऐसे काम कर रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे हम किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं सो so हियर वो कह रहा है लास्ट में आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ मतलब ही रिफ्यूजेज टू एसोसिएट साइलेंस विद डेथ मैं किसी डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ कह रहा है वो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर टू की पोएट टोटल इनएक्टिविटी की बात uh, से मतलब क्या है उसका नेक्स्ट uh, है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड नॉट कुड डू नथिंग पर हैप्स अज साइलेंस माइट इंटरप्ट दैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्व एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्व विद डेथ तो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे ही सिंगल माइंडेड जैसे हम काम करते हैं ऐसा ना करें अगर हम सिंगल माइंडेड होता है फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं या हम सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी हम सिर्फ एक एम ले लेते हैं और हम ये भी नहीं देखते उस एम को पूरा करने के लिए हम कितने लोगों को या कितनी नेचर को किस एक्सटेंट तक हम हार्म पहुंचा रहे हैं तो कह रहे हैं अगर हम ऐसा सिंगल माइंडेड ना हो और ऐसे हम आगे ना बढ़ें और एक बार हम इस साइलेंस को महसूस करें अप, अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करें तो इससे वो क्या कह रहा है इट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस सैडनेस का एक ही है वो कह रहा है सैडनेस ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ हम सैड हैं क्योंकि हमें लाइफ की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है हम नेचर को ह्यूमन को हार्म पहुंचा रहे हैं अपने रश्ट एक्शन से तो कह रहे हैं अगर हम एक मिनट के लिए रुकें तो हम शायद इस सैडनेस से दूर अपने इस सैडनेस को इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में रोक सकते हैं और इस सैडनेस से अपने छुटकारा भी पा सकते हैं समय के लिए। आगे वो कह रहे हैं, अर्थ कैन टीचर्स एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी हैं हम यहां परेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है अर्थ को पर्सन की क्वालिटी दी गई है अर्थ से वो कह रहे हैं हम एक टीचर एक अर्थ कैन टीचर्स अर्थ एक टीचर की तरह हमें इंस्पिरेशन दे सकती है जैसे कि जो पिक्चर यहाँ पे मैंने एसोसिएट की है उसमें हम देखते हैं जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें ऐसा लग रहा है लैंड बिल्कुल बैरन है यहाँ पे कुछ भी नहीं उगने वाला और नीचे वाले पार्ट में वो लैंड जो है इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी तो वो यही कह रहे हैं कि लैंड जो अर्थ है ये ऊपर से तो क्या दिखती है बिल्कुल डेड दिखती है लेकिन एक्चुअली ये डेड नहीं होती है एक्चुअली ये डॉर्मेंट होती है और अपने अंदर एक लाइफ को प्रिजर्व करती है इट केयरफुली प्रिजर्व अ सीड ऑफ लाइफ इन साइट इट तो इट अपीयर्स काम एंड क्वाइट बट एक्चुअली इट इज नर्चरिंग लाइफ डीप विद इन तो ये कह रहा है कि ऐसी ही कुछ एक्टिविटीज हमारी भी होनी चाहिए जो बिल्कुल साइलेंट हो वायलेंट ना हो बस तो ये दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर आई थिंक नाउ एट द एंड ही सेइंग नाउ आई विल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड यू कीप क्वाइट एंड अल को तो ये जो पोएम स्टार्ट हुई थी ये इन्ही लाइन से स्टार्ट हुई थी लेकिन वहाँ वी विल लिखा था यहाँ पे आई विल लिखा है तो अब वो क्या कह रहे हैं मैंने जो है फाइनली ही एंडज अप बाय सेंग दैट नाउ ही विल काउंट अप टू ट्वेल्व सो दैट वी ऑल जो हम लोग हैं वी ऑल में बिकम क्वाइट हम क्वाइट हो जाए और हम लोग जो है वी ऑल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ पीस एंड हारमनी वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई हैव कन्वेड माई मैसेज और मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया है अब आप लोगों को क्या करना है आप यू टर्न इन इनवर्ड अपने आप को देखो अपने अंदर झांको इंट्रोस्पेक्शन कीजिए मेडिटेशन कीजिए और एक पीस ऑफ माइंड को अचीव कीजिए तो ऐसा कह के वो जा uh, चले गए हैं एट द एंड और दिस वॉज द पोएम आई होप यू इन्जॉयड द पोएम थैंक यू वेरी मच एंड ऑलवेज़ रिमेम्बर लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट